आज मैं तुम्हें ऐसी गलती के बारे में बोलने जा रहा हूँ जो तुम्हें कभी नहीं करनी है। तुम लड़की के फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो या उसके पति ही क्यों ना हो, अगर तुमने ये गलती की है तो पूरी संभावना है कि लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से औरत तुम्हें छोड़कर चली जाती है, सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सिलसिला प्यार के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। लड़कियों की कुछ खास ज़रूरतें होती हैं। जब वो एक बॉयफ्रेंड चाहती है तो वो कुछ खास क्वालिटी ढूंढ रही होती है और वो इशारे से लड़की को समझाती है कि उसे क्या चाहिए, पर लड़का गलत इशारे के इंतज़ार में बैठा होता है कि लड़की इशारा दे तो वो कुछ कदम उठाए, पर लड़की वैसे इशारे कभी नहीं देती जिस इशारे का इंतज़ार लड़का करता रहता है। लड़की को ऐसा लड़का चाहिए होता है जो उन्हें इमोशनली सपोर्ट करे। जब लड़की सैड हो तो उसे हंसाए, उसकी खुशी में खुश हो, पर यह लड़के खुद इमोशन के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं लड़की मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो तो लड़की को गिनकर बताते हैं कि तुमने तो पूछा ही नहीं, तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, खाना खाया या नहीं। अरे भाई, ये लड़कियों की ज़रूरतें होती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ये सब चाहती है। अगर तुम लड़की का ख्याल नहीं रख इमोशन के लिए रोते हो कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तो लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, लड़की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुद आगे बढ़कर लड़की को प्रपोज करती है और उसे बातों ही बातों में परखती रहती है। अगर तुम लड़की को बोर करते हो, उसका दिमाग चाटते हो, या फिर तुम्हें मजाक करना नहीं आता या उसका मजाक नहीं समझ पाते, उसे और उसके सहेलियों को हंसा नहीं पाते, तो भी लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अगर तुम लड़की को घंटों फ़ोन पर बातों में उलझा नहीं सकते, अपने प्यार के खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, लड़की पटने के बाद जल्दबाजी नहीं दिखाते, तो लड़की को लगता है कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। लड़कियाँ सोचती है ये मेरे साथ घंटों फ़ोन पर बात करता है, मतलब ये मुझे बहुत टाइम दे रहा है। अगर तुम लड़की को फ़ोन पर टाइम नहीं देते तो उसे लगता है कि ये किसी और के साथ भी बात करता होगा। तुम अगर प्यार में धीमा चलते हो तो भी उसे लगता है कि ये पहले से रिलेशन में होगा, मुझे सिर्फ एडिशनल बोनस के लिए रखा होगा। और लड़कियां किसी का टाइम पास नहीं बनना चाहती, वो तो किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती है, वो तो किसी राजा की रानी बनना चाहती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लड़की पटाने के साइकोलॉजी का लेक्चर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।